दोस्तों आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका रोज की तरह स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आज मैं टहल मॉर्निंग वॉक में गया था। मॉर्निंग वॉक में जो है मुझे एक फूल बेचने वाले मिले, जिनकी जिनका जीवन कैसे चलता है, वो कैसे क्या करते हैं, क्या उन्होंने आज तक किया और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ जिताई और कैसे आगे को उनके कितने बच्चे हैं, ये वो फूल बेचते हैं बेचारे। और दिन भर ये करते हैं, सुबह मंडी में जाते हैं, मंडी से फूल लाते हैं और फूलों की बढ़िया करके सजाते हैं। यहाँ यहाँ बगल में मंदिर है, मंदिर का वो करते हैं, मंदिर में फूल बेचते हैं। हाँ भैया जी, आपका क्या नाम है? इधर को मुंह करो भी थोड़ा। इनका नाम पप्पू है, पप्पू इनका नाम है। और ये वो फूल बेचते हैं बेचारे, दिन भर इनका यही धंधा है। और मतलब आप कितने तक का फूल लाते हो रोज? इधर को थोड़ा देखोगे तो दो मिनट, हज़ार दो हज़ार रुपये का फूल लेते हो तो आपका इसमें क्या बचत होती है? 300-400 रुपया ये रोज बचा लेते हैं बेचारे। और बाल बच्चे कितने हैं? दो बच्चे हैं और बीवी है, माँ है, भाई हैं, सब उसी में चलते हैं। मकान है आपके पास? प्रधानमंत्री योजना से आपको मकान नहीं मिला? थोड़ा इधर देखोगे तो बढ़िया लगा। प्रधान दो मिनट रुक जाओ। प्रधानमंत्री योजना से मकान नहीं मिला? क्यों? फार्म नहीं भरा? क्यों? तो आपका सभासद कौन है, वह पार्षद कौन है? नहीं मतलब आप रहने वाले यहाँ के यहाँ रहते हो या बाहर रहते हो? यहीं रहते हो। पार्षद का नाम मालूम नहीं है? भाई आपने क्या नाम बताया अपना? पप्पू इनका नाम है भैया। जो भी पार्षद इनके एरिया में आता है वह उनका इनको मतलब कुछ ना कुछ सहायता दिलाए, क्योंकि इनका स्थिति सही नहीं है और ये बेचारे दिन भर अपना इस यंग एज में काम करते हैं और कोई इनका और चारा नहीं है। और घर में कौन कौन है? दो बच्चे हैं, मियाँ बीबी। हाँ दो बच्चे हैं इनके, मियाँ बीबी है। कितने साल से यहाँ पर काम करो? 35 साल हो। ये बेचारे 35 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए 35 साल से इस फूलों के फूल बेच करके ही अपना धंधा चलाते हैं। और इनको 5 किलो राशन मिलता है? हैं नेता? इधर इधर देखो इधर। हाँ बंद कर दिया। क्यों? गाड़ी जमा हो गया सब। क्यों क्यों जमा हुआ? अरे जब गाड़ी है हमारे पास, टू व्हीलर गाड़ी है उसका। टू व्हीलर में थोड़ी होता है, थ्री व्हीलर के लिए है वह। इनको कोई कार्ड भी वह भी नहीं मिलता है, राशन भी नहीं मिलता है, 5 किलो राशन भी नहीं मिलता है। और प्रधानमंत्री योजना से कोई मकान के लिए अभी तक नहीं किया है। जो भी इनका पार्षद है, पार्षद को मैं बताता हूँ कि मतलब वह जो है इनकी दरख्वास्त आगे पहुँचाए और अब मुख्यमंत्री योगी जी तक इनकी अगर दरख्वास्त जाएगी तो इनको अवश्य 10,000 तक का तो इनको मिलना चाहिए, बैंक से लोन मिलना चाहिए। उसके लिए एप्लीकेशन आवेदन देंगे और ताकि इनका व्यवसाय आगे बढ़ सके और ये आगे बढ़ेंगे तो मतलब अपना बच्चे अच्छी प्रकार पाल पाएंगे। देखो बेचारे दिन भर अपना यही काम करते हैं और बहुत अच्छा है। भगवान की सेवा भी करते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं और लोगों को भी करवाते हैं। ये बहुत अच्छे हैं। इनका नाम पप्पू है और ये जो है इनको कहीं कोई ना कोई सहायता मिलनी चाहिए। दोस्तों इस टाइप के लोगों को सबको सहायता करनी चाहिए। और जो है हम भी यहाँ से कभी कभी फूल ले जाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं जब भी यहाँ आते हैं। तो मतलब मतलब आप क्या कहना चाहते हो बताओ, कोई अपने बात बताओ। कुछ नहीं, बस जैसे चल रही जीवन, बस ऐसे ही भगवान के शरण में कटता रहे जिंदगी, बस बहुत है। अच्छा भगवान के शरण में। और मतलब अरे थोड़ा मकान वकान के लिए तो तुमको करना चाहिए अपना। बाबू जी अब जिंदगी कट गई, अब क्या जिंदगी कट गई, जिंदगी अभी बहुत लंबी है, जिंदगी में कुछ तो चाहिए। बुढ़ापा में तो कैसे करोगे काम? सब हो जाएगा, सब ऊपर वाले सहारे बैठे, ऊपर वाले के सहारे बैठे हैं ये। और देखो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा इनको किसी से कोई सरकार से भी ज़्यादा गुहार लगाने की इनको जरूरत नहीं है। अपना बेचारे कहते हैं जो हमको मिल रहा है उसी में संतुष्ट हैं, संतोषम परम सुखम कहते हैं। देखिए ये आदमी इसी में संतोष रहते हैं, अपने मस्त रहते हैं, अपने बीबी बच्चों को पाल लेते हैं, 100-200 रुपया जो कमाते हैं उसी से अपना जीवन काटते हैं। देखो लोगों के पास 10-10, 12-12, 5-5 घर हैं, उनको फिर भी संतोष नहीं है। ज़िंदगी में अगर संतोष है तो सब कुछ है। ये बेचारे पप्पू जो हैं बहुत अच्छे आदमी हैं और ये जो है अपना फूल बेचते हैं और सही दाम पर अपना फूल देते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। और इनको दिन कोई किसी से मतलब ज़्यादा कोई
सरकार से भी कोई गुहा नहीं लगाते हैं। एक आध बार इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन इनका प्रार्थना पत्र सुना नहीं और इनका अप्लीकेशन वापस कर दी। जो भी इनका पार्षद है भैया, थोड़ा इनको देखना चाहिए और थोड़ा इनके देखिए, ऐसे ही अपना पूरा धंधा करते हैं। कितना बढ़िया अपना इन्होंने यहाँ पर बना रखा है, छोटी सी जगह है, इतनी कम जगह में इन्होंने किया। दोस्तों ये इनको इनका सहायता होनी चाहिए और ये अपना दिन भर यहाँ पर तपती धूप में भी यहीं पर काम करते हैं, बरसात में भी यहीं पर मिलते हैं, हर जगह। मैं इनको काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, देखो 35 साल से काम कर रहे हैं, देखो पूरा जीवन इन्होंने इसी में लगा दिया है। सब ईश्वर भगवान पर आस्था है, उसी आस्था के द्वारा ये आगे बढ़ रहे हैं, अपना बच्चों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, बहुत बढ़िया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लोग यहाँ से पुष्प खरीदें, भगवान की पूजा करें, ये इसी में मस्त हैं। बस लोग आएँ, पूजा करें और अपने घर जाएं, इसी में ये मस्त रहते हैं, हैं भैया, इसी में रहते हैं। वह ऊपर वाले का आशीर्वाद है बोलते हैं। दोस्तों आपको, आप भी, सभी को यही होना चाहिए, हम में ही आदमी को संतोष करना चाहिए, वह सबसे बड़ी बात होती है। इनसे हमको ये शिक्षा मिली, इनके भाव ऐसे हैं कि ये कम में ही अपना सुखी जीवन यापन करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, जो मेहनत करते हैं मेहनत का खाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ऐसे भी लोग होते हैं संसार में, मतलब बहुत अच्छा लगा इनको, इनकी बात सुन करके बहुत अच्छी बात है। सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद ऐसे लोगों। और ये मुंशी पुलिया में ये है पुष्प वाटिका, तो इसमें जो है लोगों को अधिक से अधिक खरीदें। और इनका ये बेचारे निस्वार्थ आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, भगवान की पूजा 35 साल से कर रहे हैं, देखिए बहुत अच्छी बात है। इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मैं ऑफिस जाता था तब भी मैं इनको देखता था, तब से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। भगवान इनको आगे बढ़ाए, मेरा तो यही आशीर्वाद है, भगवान का भी इन पर आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों सबका आशीर्वाद, धन्यवाद, शुभकामनाएं, और मैं इनके जीवन की शुभकामना करता हूँ।